नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना, ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना, ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहाँ वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार: अक्षय कुमार ने
करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप,
सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन फोटो पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है।
नंबर 4 लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना, ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर
मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं। कुमार शानू अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे।
इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत। यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994। देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार: अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना
और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत, सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन, फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है।
एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सोच और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सोच और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और को
कुमार सानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 माई अडोरेबल डार्लिंग। इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 पास वो आने लगे। इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं। इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994। देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर, मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा
मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम
मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत। यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994। देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहाँ वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार: अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।
रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर, मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है।
एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है।
गाना नंबर 5 मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 माई अडोरेबल डार्लिंग। इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 पास वो आने लगे। इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं। इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994। देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर, मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी
गोली के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान, जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत। यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994। देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार: अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में
अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर, मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है।
और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैफे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण
अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं। कुमार शानू अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 जुबान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा
मार दिया जाता है। एक कैफे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार ज़मीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं। कुमार शानू अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम
मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत। यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रैग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार: अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।
रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी, पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन, फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत यह फिल्म साल की शीर्ष पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक, प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर, मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है
और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सोच और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर अनंत महादेवन शिवा रिंदानी ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम फिल्म में नहीं इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन फिल्म में नहीं इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण
अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक अलीसा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं। कुमार शानू अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 जुबान खामोश होती है फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, रागेश्वरी और शिल्पा शेट्टी अभिनीत। यह फिल्म साल की शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता घोषित कर दिया गया। इसका संगीत भी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसके गीत सुने जाते हैं। निर्देशक समीर मालकन, निर्माता चंपक जैन, लेखक सचिन भौमिक, अभिनेता अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, शक्ति कपूर, कादर खान, संगीतकार अनु मलिक। प्रदर्शन तिथियां 23 सितंबर 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग लीडर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली को रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। इसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना ही है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार, सैफ अली खान जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे सम्मानित इंस्पेक्टरों में से एक अर्जुन, जोगलेकर मुकेश खन्ना ड्रग डीलर और गैंगस्टर गोली शक्ति कपूर द्वारा मार दिया जाता है। एक कैबरे गायक और गोली की रखेल मोना शिल्पा शेट्टी गोली के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन का छोटा भाई इंस्पेक्टर करण जोगलेकर
अक्षय कुमार द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा में लिया जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी अन्याय से लड़ना और अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। जब गोली को मोना के आगामी गवाही के बारे में पता लगता है तो उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करेगी, तो वह उसे ढूंढता है और मार देता है। दीपक कुमार सैफ अली खान, जो कि एक फिल्म अभिनेता है, अपनी भूमिकाओं से ऊब चुका है और रोमांटिक नायक के रूप में टाइपकास्ट होने के कारण निराश है। वह कुछ अलग करना चाहता है जो उसके सुस्त और उबाऊ अस्तित्व में कुछ बदलाव और उत्तेजना लाए। अपने नीरस जीवन को बदलने के लिए वह नशे में डूब पड़ता है और ड्राइव करता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यही वह वजह है जहां वह करण से मिलता है और उसकी दृढ़ता, साहस और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। दीपक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि वह इसे अपनी अगली फिल्म के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। सैफ अली खान ने दीपक कुमार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पा शेट्टी ने मोना और बसंती के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रागेश्वरी ने शिवांगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शक्ति कपूर ने गोली के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। जॉनी लीवर ने धनसुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बीना बनर्जी ने भाभी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। मुकेश खन्ना अर्जुन जोगलेकर ने के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कादर खान ने रामलाल और कमिश्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। गोगा कपूर, अनंत महादेवन, शिवा रिंदानी, ब्रजेश तिवारी पुलिस इंस्पेक्टर, रवीना टंडन विशेष उपस्थिति। संगीत, सभी अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हैं। गाना नंबर एक चुरा के दिल मेरा, इस गाने के गायकार रानी मलिक हैं और इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो दिल का दरवाज़ा, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन होंठों पे तेरा नाम, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार जमीर काजमी हैं और पंकज उदास ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। नंबर चार लाखों हसीन, फिल्म में नहीं, इस गाने के गीतकार अनवर सागर हैं और कुमार शानू आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस गाने के गीतकार माया गोविंद हैं और इस गाने को उदित नारायण, अभिजीत और अनु मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः माई अडोरेबल डार्लिंग, इस गाने को रानी मलिक ने लिखा है और अनु मलिक, अलीशा चिनॉय ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात पास वो आने लगे, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक इसने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ जुवान खामोश होती है, फिल्म में नहीं, इस गाने के गायकार राहत इंदौरी हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।